हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चरल पेस्ट पल्स बीटल। तो वी कैन सी हियर अडल्ट बीटल। सो अडल्ट बीटल 3 to 4 मीटर लॉन्ग, ये 3 से 4 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, ओवल शेप्ड होता है, ब्राउनिश ग्रे बीटल विथ डार्क स्पॉट होता है, ब्राउनिश ग्रीन कलर ग्रे कलर का होता है जिसके ऊपर डार्क स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी इज पॉइंटेड टुवर्ड्स फ्रंट, बॉडी जो आगे की तरफ की होती है पॉइंटेड होती है। अडल्ट्स आर शॉर्ट लाइव्ड, इट इज़ हार्मलेस एंड डू नॉट फीड ऑन स्टोरेज प्रोड्यूस एट ऑल। अडल्ट जो होते हैं वो बहुत छोटे से होते हैं, शॉर्ट लाइव्ड स्पेंड होते हैं, यानी कि उनकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी होती है, और ये हार्मलेस होते हैं। जो अडल्ट बीटल होते हैं वो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ओके, सो क्लासिफिकेशन जो देखेंगे अगर हम पल्स बीटल की, तो फाइलम इज़ अर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर कोलियोप्टेरा, फैमिली ब्रूचिडिया, टाइप इज अ पल्स बीटल। नेक्स्ट वन अगर हम देखेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ पल्स बीटल, सो ईग, फर्स्ट ऑफ ऑल ईग लेट सिंगली स्टिक इन टू सीड्स। जो सीड्स होते हैं उसमें ईग क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और ये एक एक करके होते हैं। फ्रेश एग्स आर ट्रांसलूसेंट्स वाइट इन कलर। जो एग्स होते हैं फ्रेश वाले वो ट्रांसलूसेंट्स होते हैं और फ्रेश होते हैं और वाइट कलर के होते हैं। लार्वा जो होता है वो कर्व्ड होता है, जी जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, क्रीमी और वाइट कलर का लार्वा होता है, और जो उसका जो माउथ पार्ट होता है वो ब्लैक कलर का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लैक माउथ पार्ट है। प्यूपेशन टेक्स प्लेस इन अ प्यूपल सेल प्रिपेयर्ड बिटवीन द सीड कोट। तो सीड कोट के अंदर इनका जो है कि नहीं, ये जो सीड है तो इसके जो सीड कोट के अंदर है कि नहीं, प्यूपा का स्प्रेड या प्यूपेशन स्प्रेड टेक्स प्लेस होता है। ओके, तो उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट वन, देखते हैं पल्स बीटल लाइफ हिस्ट्री इन अ डेज। तो अडल्ट लाइज एग्स इन 3 to 5 days, दिस एग्स चेंजेस इन टू गर्ब 4 to 5 days इन अ समर सीजन, दिस गर्ब्स चेंजेस इन टू प्यूपा 14 to 21 days, एंड दिस प्यूपा चेंजेस इन टू अडल्ट इन अ समर डेज 4 days। सो इट इज़ अ कम्प्लीट मेटामॉर्फेसिस, 7 to 8 generations पर ईयर टेक्स प्लेस। सो द टोटल लाइफ साइकिल ऑफ पल्स बीटल इन समर सीजन इज 25 to 35 days, एंड इन विंटर सीजन दिस लाइफ साइकल्स इज 49 to 59। ओके, नेक्स्ट वन इज लाइफ साइकिल ऑफ पल्स बीटल सी इन अ फिगर। दिस इज अडल्ट माउथ, अडल्ट माउथ लाइज द एग्स, स्मॉल एग्स और क्रीमी एग्स। दिस क्रीमी एग्स वाइट कलर एग्स चेंजेस इन टू प्यू लार्वा, एंड दिस लार्वा इज वाइट और क्रीमी इन कलर, एंड दिस माउथ पार्ट इज़ अ ब्लैक इन कलर, एंड दिस लार्वा गोज इन टू द स्टेज ऑफ प्यूपेशन, एंड आफ्टर प्यूपेशन अडल्ट कम आउट फ्रॉम द प्यूपा। ओके, नेक्स्ट डैमेज ऑफ पल्स बीटल्स। सो यू कैन सी हियर दिस इज द पल्स बीटल्स एंड डैमेजेस, द होल्स आर सीन इन। ओके, नेक्स्ट वन कंट्रोल मेजर। अगर हम कंट्रोल मेजर देखते हैं तो वेट हाइड्रेटेड लाइम यूज़ करना चाहिए हमें, पायरेथ्रम और डेरीज पाउडर मिक्स्ड विद ग्रेन, ग्रेन में है कि नहीं क्या करना चाहिए, डेरीज पाउडर और पायरेथ्रम को मिक्स कर देना चाहिए, जिससे जो है पल्स बीटल डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उसका एक लार्वा जो भी वो क्या हो जाता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर या तो सैंड लेयर यानी कि लेती की लेयर क्या करनी चाहिए, बिछा कर रखनी चाहिए ग्रेन्स में। सो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है सो पल्स बीटल का ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम एग्रीकल्चरल पेस्ट जो देखते हैं देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया से, एंड सीखते रहिए हमारे साथ। थैंक यू, ओके, बाय बाय।